एक्शन इज एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे. सो हम जानते हैं कि यदि मान लो हमारे पास कोई पार्टिकल है और वो मेन पोजीशन के किनारे आगे पीछे मोशन कर रहा है, बैक एंड फॉरवर्ड मोशन कर रहा है, और उसमें हम देखते हैं कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन एक्स द फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव. ये हमने पढ़ रखा है और ये आइडेंटिटी होती है कि एक पार्टिकल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है. और यदि एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसका जो वेलोसिटी होगी वो होगी वी द फंक्शन ऑफ टी. ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं. दिस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट. नाउ इसके इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी, दिस वेलोसिटी इज मैक्सिमम, राइट, व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो and this velocity is minimum at the mean at the extreme position when x is equal to plus or minus. That is what we have studied, right? We know that, hum jante hain, we know that kinetic energy ka jo expression hota hai, the kinetic energy is given by 1/2 m v square. Okay, so this is equation number 3. Now using equation 2 in equation number 3, we have at the end kinetic energy is equal to 1/2 m v square. So v square क्या हो जाएगा, आप यहां पुट कर दीजिए, माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव स्क्वायर. सो दिस विल लीड यू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एंड दिस इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव. दिस इज द फेज. ओके, so if we'll use as we have used earlier for the particle executing simple harmonic motion, you can put this m omega square is equal to k, that is equal to spring constant, right? So k is here 1/2, this is spring constant, so I can write this as kinetic energy. This is k a square sine square omega t plus phi. So, right? So, now see, देखिए कि ये बताता है कि जो काइनेटिक एनर्जी जो है, दिस विल बी मैक्सिमम, दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम व्हेन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, राइट. द मोस्ट मोर इम्पॉर्टेंटली, आप एक पार्टिकल जो है यदि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है इस इक्वेशन से, तो उसका जो टाइम पीरियड यहाँ क्या है, इस इक्वेशन से जो टाइम पीरियड क्या होगा, ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, तो इसमें टाइम पीरियड क्या होगा, टी इज इक्वल टू टी. बट फॉर दिस केस दिस, मैं इसको इक्वेशन नंबर यदि 4 मान के चलूँ, तो हियर द टाइम पीरियड इज नॉट टी, द टाइम पीरियड फॉर द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू टी. So this is what we are going to check it here. If we have to find the time period of this kinetic energy, then what we will do? हम इस term को इस्तेमाल करते हैं. देखिए जरा, इसे periodic function. So kinetic energy vary periodically. ये periodic function है, because you know sine square theta, cos square theta, sine theta, cos theta, these are periodic functions. इसका मतलब जो kinetic energy है वो भी simple harmonic motion में periodically vary करेगी. यदि वो पेरियोडिकली वेरी करेगी, एक पीरियड के बाद वो दोबारा फिर से रिपीट करेगी, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा. सो वी हैव टू डिटरमिन द टाइम पीरियड. सो यूजिंग, हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos 2θ/2. वी विल यूज दिस कॉन्सेप्ट ओवर हियर. तो हम कैसे ले सकते हैं, दिस इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, सो प्लस फाइव. And for simplicity, we can take phi is equal to 0. So I can write this as sine square
omega t is equal to 1 minus cos of 2 omega t by 2. Okay, so isko hum aage likhenge. This is sin square omega t is equal to 1 by 2 minus 1 by 2 cos 2 omega t. अब हमें यदि इसका टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड का मतलब होता है उतने समय के बाद वो जो फंक्शन है वो उसी फॉर्म में चला जाएगा, वो जो क्वांटिटी है वो उसी फॉर्म में वापस आ जाएगी. तो हम यहाँ क्या करते हैं, इस पार्ट में हम और ओमेगा टी ऐड कर देते हैं, राइट. हम एक का जो एंगल है इसमें और ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हम यहाँ देखें तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी is equal to 1 by 2 minus 1 by 2 cos, अब इसको 2 को अंदर ले जाइए, ये बन जाएगा 2 omega t plus 2 omega capital T. अब यदि ये periodic function है तो एक 2 pi के interval के बाद cos का value फिर वैसे ही हो जाएगा. This means इस part का जो value कितना होना चाहिए, वो 2 pi होना चाहिए. So if 2 omega t must be equal to 2 pi, then t should be equal to 2 pi by 2 omega होना चाहिए, but जो 2 pi by omega है वो होता है t, so t 0 I can say, so this is equal to t 0 by 2, right. So this part is here t 0 is equal to 2 pi by omega. So we can say, हम ये कह सकते हैं कि जो the period of kinetic energy, hence we can say that period of kinetic energy is t by 2. ये आपको ध्यान रखना है कि जो particle executing simple harmonic motion तो उसका जो time period होगा वो t होगा, but the kinetic energy of the same particle executing simple harmonic motion has time period equal to t by 2, right? Questions to the concept of potential energy. This is the concept of potential energy of a particle executing simple harmonic motion. Concept of potential energy of a particle executing simple harmonic motion, right? सो जो कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का जहाँ तक हम बात करते हैं, तो कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली पॉसिबल फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेस. सो कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली पॉसिबल फॉर, दिस इज ओनली पॉसिबल फॉर कंजर्वेटिव फोर्स. इसके बारे में हम पहले आपसे चर्चा कर चुके हैं. ओके, सो द स्प्रिंग फोर्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम स्प्रिंग फोर्स की बात यदि यहाँ करें तो ये मेरे पास जो डायग्राम नंबर 1 है, फॉर द स्प्रिंग फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वी नो दैट एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, राइट. एंड दिस इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, दिस एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, दिस इज ए कंजर्वेटिव फोर्स. ओके, and for this case the associated potential energy is 1 by 2 k x square, right. So I will mark this as another equation for this page. This equation is p1. सेकेंड पेज की फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी. अब यदि एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है, फॉर एग्जांपल आप देखिए ये जो मास m है, यदि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल executing simple harmonic motion. देखिए एक पार्टिकल जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसके एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में हमारे पास लिखने का एक तरीका होता है. हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए डिस्प्लेसमेंट दैट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दिस इज इक्वल टू ए, दिस इज द एम्पलीट्यूड एंड कॉस ओमेगा टी प्लस वाई,
This is the mathematical representation of a particle executing simple harmonic motion. This is equation number P2. So using equation P2 in P1, using equation P2 in equation P1, इस equation को put कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा potential energy का जो expression होगा, potential energy is equal to 1/2 k. अब x square कितना हो जाएगा, this is equal to a square cos square omega t plus y, right? This is equation number P3, right? So अब हमें ये देखना है कि जो potential energy है, potential energy जो है वो एक squared function, एक periodic function of time है. This means it will, potential energy will also vary periodically. So what is the, as the time period for the particle executing simple harmonic motion is t, so we are here to determine the time period of the potential energy. So to determine, time period of potential energy, हम क्या करते हैं, using cos square theta is equal to 1 plus cos 2 theta by 2. So this is 1/2 plus 1/2 cos 2 theta, right? So using, आप phi को 0 मान लीजिए, तो आप यहां लिख सकते हैं cos square हमारे पास है omega t is equal to 1/2 plus 1/2 cos 2 omega t में आप एक और एंगल जोड़ दीजिए omega capital T, यहां टाइम पीरियड को आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए. अब यदि इसको ये पीरियोडिक फंक्शन है तो आपको क्या करना है, ये वाला जो वैल्यू है हम इसको ऐसे लिखते हैं आगे, देखिए cos square omega t जो है this is equal to 1/2 plus 1/2 cos 2 को आप अंदर ले जाइए, आपके पास बन जाएगा 2 omega t plus 2 omega capital T. So this is the instantaneous value of time. ये किसी भी समय जब particle execute कर रहा है simple harmonic motion, ये वो time है, और जो t है ये total time है, time period, एक oscillation को पूरा करने के लिए जितना समय लगता है. तो यदि ये periodic function, इसका मतलब इसका जो value है वो 2 pi होना चाहिए, okay? For a periodic function, function to be periodic, यदि ये periodic हो तो यहां जो 2 omega t है वो 2 pi के बराबर होना चाहिए. This means 2 pi, sorry, t is equal to 2 pi by 2 omega. This part is t0. So this means it is equal to t0 by 2. So we can say, that time period of for potential energy is, time period for potential energy executing simple harmonic motion is also t0 by 2. So the time period for the kinetic energy executing simple harmonic motion is t0 by 2, and time period for the potential energy of a particle executing simple harmonic motion is also t0 by 2. So now we have to discuss about the potential energy for the particle executing the potential. Potential energy is maximum at, now see here, we have the expression for potential energy, and potential energy is maximum at the extreme position. Potential energy is maximum when x is equal to plus minus a, and potential energy is minimum, I can say zero, when x is equal to zero. So you can check it out using the equation number P3, right? Particle. Now total energy of a particle
executing simple harmonic motion is this total energy is equal to potential energy plus kinetic energy. Okay, so this potential energy is equal to, this is equal to 1 by 2 k square of the amplitude and cos square omega t plus phi plus kinetic energy is 1 by 2 k a square sine square omega t plus phi, right? So we can now take 1 by 2 k a square outside. We are left with cos square omega t plus phi plus sin square omega t plus phi, right? So now using sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So using this, this part has to be equal to 1. So this means that total energy is equal to 1 by 2 k a square only. Now here the total energy is equal to 1 by 2 k a square. So this expression, this total energy of a particle executing simple harmonic motion is independent of time. Okay, this total energy is independent of time, as expected for motion under, as expected for motion under conservative force. So this is a very important conclusion. From this, kinetic energy, potential energy and the total energy graphically. So dekhi, kinetic energy is represented by these red lines, right? So these lines represent the variation of kinetic energy between the two extreme positions. So this is the mean position and this is the first extreme position and this is the second extreme position. So here what we will see, the kinetic energy is zero at the extreme position when the particle is at one end. हम यहाँ देख सकते हैं कि जब particle एक simple harmonic motion execute करता है, so around the mean position वो क्या करता है, back and forth आगे पीछे जाता है. तो हम इस point को यदि P mark कर दें, इसको Q mark कर दें, so particle forward जाएगा और फिर particle backward जाएगा. तो जब particle इस end के पर होगा, when x is equal to plus a और here x is equal to minus a, so when the particle is at this point, and see here its kinetic energy is zero. So when particle is at point O, now see here the kinetic energy is maximum at this point. So kinetic energy is maximum at this point, and when the particle is at another extreme position, now see here when the particle is at point Q, when the particle is at point Q, then the kinetic energy is once again zero, right? Which is having the time period is T by 2. So now as we'll go for the potential energy variation, so the variation of potential energy is shown by this green line. So it shows that the potential energy is maximum at the extreme position, or potential energy goes on decreasing and the potential energy will become equal to zero at the mean position, and it further goes on increasing. Jaise particle jo dusre end ki or shift karega, idhar ko jab jayega, then potential energy is going to be maximum and it will become maximum at the extreme position, another extreme position, where the kinetic energy is equal to zero. So this is a very important points to learn. So jab kinetic energy zero hai, potential energy maximum hai. Jab kinetic energy maximum hai, potential energy zero hai, and at the extreme position the potential energy is maximum and kinetic energy is equal to zero. So this is the variation of kinetic and potential energy. Now see carefully,
But we have studied from this equation that potential energy is independent of time. यहाँ देखिए जो t नहीं है, t is absent over here. So total energy is independent of time. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ ये हुआ कि जो total energy will stay constant. Instead of there is a periodic variation in kinetic and potential energy. Kinetic और potential energy की variation होने के बावजूद भी total energy हमेशा constant रहती है. This is what we have to learn from here. देखिए यहाँ आप देखिए, this is the total energy. So that is equal to potential energy plus kinetic energy. And both of these potential and kinetic energies are function of time. But total energy is independent of time. So the total energy is represented by this black line. आप यहाँ देख रहे हो, जो this straight line shows that this total energy stay constant instead of the variation, periodic variations of potential and kinetic energy. हम यहाँ ये एक और important चीज यहाँ से note कर सकते हैं. यदि मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं, alright, then just see there, this is the total time period, this is the total time of oscillation, 0 to t, but till this time, this is the red line shows that this kinetic energy, इसका अपना एक period हो जाएगा, this is half of the total, और यहाँ देखिए आप, ये एक, जैसे kinetic energy का यहाँ पर half हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़कर लोअर हाफ हो जाएगा. यहाँ देखिए पोटेंशियल एनर्जी का जो अपना जो एक साइकिल है वो यहाँ तक पूरा हो जाता है, राइट. सो पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, दैट इज व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम हियर. पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ हैव टाइम पीरियड टी बाई टू, व्हाइल टी इज द टाइम पीरियड ऑफ द टोटल टाइम ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस द टोटल एनर्जी एंड द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द particles executing simple harmonic motion. Thank you. Example number 14.7 को solve करने की कोशिश करते हैं, और NCERT के द्वारा ये जो problem design की गई है, ये आपको जो अभी text में हमने पढ़ा concept of kinetic energy, potential energy और total energy के concept को सिखाने के लिए ये design की गई है. तो इसमें ये कहा गया है कि हमारे पास एक block है जिसका मास जो है वो 1 किलोग्राम है. अब देखिए हमारे पास है एक ब्लॉक, उसके नॉन पैरामीटर हो जाएंगे, वी हैव ए ब्लॉक ऑफ मास 1 किलोग्राम एंड इट्स अ फास्टन टू स्प्रिंग. द स्प्रिंग हैज द स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 50 न्यूटन पर मीटर है, और द ब्लॉक इज पुल्ड टू अ डिस्टेंस एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. आप मैक्सिमम उसको 10 सेंटीमीटर खींच सकते हैं. इसका मतलब जिसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है, जिसको हम अपनी भाषा में एम्पलीट्यूड, जो फिजिक्स की भाषा में एम्पलीट्यूड कहते हैं, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा. सो एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. इसको हम यदि एस आई यूनिट्स में लिखें तो हम इसको ले सकते हैं 10 × 10⁻², क्योंकि C का जो न्यूमेरिकल वैल्यू 10⁻²  होता है, इसको हम ले सकते हैं 0.1 मीटर. ओके, सो नाउ आगे हमारे पास उन्होंने कहा है कि आपको जो आपका मास है, इसका जो यदि हम डायग्राम बनाएं तो डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा. आपके पास एक इस तरीके का प्लेन सरफेस है, और इस तरीके से एक ब्लॉक है. द ब्लॉक इज ऑफ दिस काइंड and it is initially at x is equal to 0. फिर आप उसको खींचते हैं, आप उसको मैक्सिमम जो है वो यहाँ तक ले जा सकते हैं. यू कैन टेक मैक्सिमम इट टू मैक्सिमम ऑफ 10 सेंटीमीटर. सो x मैक्सिमम दैट इज when it is at point A. सो दिस डिस्टेंस इज x is equal to 10 सेंटीमीटर, एंड आई कैन से दैट x इज इक्वल टू 0.1 मीटर. हमसे जो पूछा है वो ये कहा है कि जब आपका जो ब्लॉक है वो लगभग 5 सेंटीमीटर जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से 5 सेंटीमीटर अबे है. इफ इट इज 5 सेंटीमीटर अबे फ्रॉम दिस, हम इसको कहें तो ये आएगा 0.05 मीटर अबे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो इस पॉइंट के ऊपर आपसे पूछा है, आप काइनेटिक एनर्जी निकालिए, आप इसी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, आप इसी पॉइंट के ऊपर टोटल एनर्जी निकालिए. और ये जो ब्लॉक है इसका मास जो है वो 1 किलोग्राम है, और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, जो एक स्प्रिंग का करेक्टरिस्टिक होता है, दिस के इज इक्वल टू 50 न्यूटन पर मीटर. तो इस तरीके की समस्या जो है हमारे पास दी हुई है,
अब हमने जो जो कुछ हमने निकालना है इसमें है x द फंक्शन ऑफ t, x की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ओके वो है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर 0.05 मीटर है, और जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू है वो 0.1 मीटर है। तो हमारा जो इंफॉर्मेशन है, जो चीज़ें हमने निकालनी है, देखिए उसमें हमने निकालना है काइनेटिक एनर्जी। हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से पैरामीटर चाहिए, दैट इज 1/2 kA² एंड साइन स्क्वेयर। हम फाइ को यदि 0 मान लें तो ये रहेगा साइन स्क्वेयर ओमेगा टी, तो आपको एक ओमेगा का पता होना चाहिए, तो जो अभी हमें पता नहीं है राइट, और एक साइन थीटा। दिस पार्ट, दिस कंप्लीट पार्ट इज द आर्गुमेंट ऑफ दिस एंगल, सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सो ये थीटा भी हमें निकालना है। दूसरा, हमें यदि पोटेंशियल एनर्जी को निकालना है तो हमें चाहिए 1/2 kA² एंड इन दिस केस इट इज कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी। तो हमारे पास ओमेगा या ये जो आर्गुमेंट है इसको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बाकी तो हमें के पता है, एम्पलीट्यूड पता है, रेस्ट ऑफ थिंग्स आर नोन टू अस। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी नो दैट अब यदि एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उसकी पहचान क्या है कि वो इस इक्वेशन को फॉलो करता है, एक्स द फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी राइट। सो हम ये देखें कि हमारे पास जो एक्स द फंक्शन ऑफ टी जो है इसका जो वैल्यू है 0.05 है, और यहाँ जो एम्पलीट्यूड का जो वैल्यू है वो 0.1 है, एंड दिस पार्ट इज कॉस ओमेगा टी राइट। सो फ्रॉम हेयर ऑन वी कैन कैलकुलेट दैट कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू 0.05 / 0.1। इसको आप ले सकते हैं 5/100 × 1, ये 10 आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2। तो आप देखें कि जो कॉस थीटा किस स्टेज के ऊपर 1/2 होता है, देन थीटा इज इक्वल टू देन ओमेगा टी का जो वैल्यू है, व्हेन ओमेगा टी इज इक्वल टू 60 डिग्री ओके। इसी तरीके से हमें साइन ओमेगा टी की वैल्यू की भी जरूरत पड़ेगी, तो साइन ओमेगा टी जो है वो अननोन है हमारे पास, हम इसको ले सकते हैं साइन जो 60 डिग्री होगा वो होगा अंडर रूट 3/2। अब देखिए हमारे पास जो बाकी पैरामीटर्स है वो नोन है, अब हम निकालेंगे जस्ट एक काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दिस इज 1/2, के इज 50, एम्पलीट्यूड इज 0.1 × 0.1, एंड साइन स्क्वेयर ओमेगा टी इज अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट 3/2 का जो स्क्वायर हो जाएगा, तो यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 × 50 × 1/100 × 3/4 ओके, और ये आपके पास आ जाएगा 2 एंड आई थिंक दिस इज 3/50 × 4 = 16 × 3/16 सो 3/16 इफ वी सॉल्व 3/16, अब हम इसको थोड़ा कैलकुलेटर से सॉल्व कर देते हैं, 3/16 इज 0.1875 राइट। सो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आई कैन राइट इट अप टू 2 decimal places 0.19 joule। सो दिस मच काइनेटिक एनर्जी विल बी एक्वायर्ड बाय द मास लोकेटेड एट पॉइंट 0.05 meter away from the equilibrium position. So now we will go to find the potential energy. So from equation number 2, ab hum karte hain from equation 2, from equation 2 we have, yadi ab hame potential energy nikalna hai, potential energy nikalne ke liye hum likhenge, hamare paas aa jayega 1/2, to k ka value to hame pata hai 50 hai,
और इसमें ए का वैल्यू वही है 0.1 क्रॉस 0.1, और इसमें जो कॉस थीटा का जो वैल्यू है दैट इज 1/2, सो मैं इसका स्क्वायर लिख दूं 1/2 इंटू 1/2, सो दिस विल बी 1/2 इंटू 50, यहाँ से 10 इंटू 10 आएगा 100, एंड दिस इज 1/4, सो दिस इज 2 एंड दिस इज 1/16. So if you will divide it, then you can write it down. 1/16 is just 0.0625. This is 625 joule. So this much amount of potential energy will be produced by the body of mass m at a distance of 0.05 meter from the equilibrium. So now the total energy that is equal to the sum of kinetic energy at this point and potential energy at this point, right? So the total energy is equal to this is 0.19 joule plus 0.0625 joule, right? So this total energy is equal to, the sum of these two is 0.25 joule. So this much will be the total energy at the given point, right? Thank you.